एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल हम और हमारा हिमाचल। और कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। और आज है शुक्रवार, शुक्रवार मॉर्निंग का टाइम है ये। और अभी सुबह सुबह आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बना रही हूँ आज मेयोनीज। तो मेयोनीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है रिफाइंड ऑयल, दूध और ले लिए, शुगर पाउडर ले लिया है मैंने एक स्पून, चीनी को मैंने पीस लिया था, और नमक ले लिए मैंने 2-3 पिंच, काली मिर्च का पाउडर 1 पिंच और विनेगर 2 चम्मच। तो दूध और रिफाइंड जो वो बिल्कुल ठंडे होने चाहिए मेयोनीज बनाने के लिए। 1.5 घंटा पहले हम इनको रख देंगे फ्रीज़र में और बिल्कुल ठंडा होना चाहिए ये। अगर थोड़ी बहुत सेट भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, मतलब बिल्कुल ठंडा होना चाहिए ये। अगर ठंडा नहीं होगा तो आपकी मेयोनीज जो वो नहीं बन पाएगी। तो बस ये देखिए, मैंने 1 कटोरी दूध जो है वो जार में डाल दिया है और उसमें डाल दिया मैंने 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर, नमक डाल दिए 3 पिंच और ये शुगर पाउडर डाल दूँगी 1/2 चम्मच और साथ में डाल दूँगी विनेगर 2 स्पून। और बस अब अच्छे से मिलाने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं रिफाइंड ऑयल। ये बात ध्यान रखिए कि दोनों चीज़ें बहुत ही ठंडी होनी चाहिए, 1.5 घंटा पहले हमें फ्रीज़र में रख देनी है ये दोनों चीज़ें। तो बस अभी इसको मैं चला लूँगी मिक्सी में, और इसको चलाने के लिए थोड़ी देर चलाएंगे मिक्सी को, फिर बंद कर देंगे 2 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे। बस तो ऐसे ही इसको बनाना है, नहीं तो अगर ज़्यादा देर तक मिक्सी को चलाएंगे तो ये नहीं बन पाएगी। तो बस ऐसे ही थोड़ी देर चलाने के बाद फिर चेक करते रहेंगे। और अभी मैंने 1 ही कटोरी इसमें ऑयल की डाली है, तो इसका जो क्वांटिटी होती है दूध और ऑयल की, तो दूध अगर हम 1 कटोरी डालेंगे तो रिफाइंड हमें 2 कटोरी डालनी होती है, कम नहीं डालेंगे, डबल डलता है रिफाइंड। आप रिफाइंड भी डाल सकते हो और ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है इसमें, रिफाइंड या ऑलिव ऑयल कुछ भी डाल सकते हो आप। तो बस फिर ये इसके साथ ही मैंने 2री कटोरी भी जो ऑयल की वो मिक्स कर दी है इसमें, हमेशा डबल ही डाला जाता है ऑयल दूध से। तो बस ये देखिए चला के मैंने ये चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा चलाने के बाद फिर बंद करके देखना होता है। तो बस ये मेरी मेयोनीज जो वो ऑलमोस्ट बन गई है, बस थोड़ा सा चलाऊँगी मैं और ये देखिए फिर तैयार होगी मेरी मेयोनीज। बस ये देखिए बन गई मेरी मेयोनीज। तो बस यही है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें, चाहे तो आप विनेगर को भी फ्रीजर में रख सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, और दोनों चीज़ें जो हैं रिफाइंड और दूध जो, वो तो 1-1.5 घंटा पहले हमें फ्रीज़र में रखनी पड़ेंगी। और उसके बाद ये देखिए, ये है शाम, 5 बज गए हैं अभी, और यहाँ पर आ गए हम इस रूम में। अभी मैं इसी रूम की सफाई करूँगी। तो ये देखिए, पहले आप लोग इस रूम की देख लीजिए, इस रूम की जो है वो मतलब पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है ये रूम। तो बस इसी की सफाई करने के लिए आ गई थी मैं अभी ऊपर। तो ये देखिए, एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल हम और हमारा हिमाचल। और कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और आज शुक्रवार शाम का टाइम है, और ये देखिए, ये मैं जिस रूम में खड़ी हूँ ना, इस रूम की हालत, मतलब इसी रूम की सफाई करने के लिए आ गई हूँ मैं आज मैं ऊपर, क्योंकि ये रूम बच्चे रहते हैं यहाँ पर, बच्चों को दिया किराए पर। तो उस टाइम बच्चे चले गए थे सारे ही, एकदम से ही जब लॉकडाउन हो गया था तो चले गए थे बच्चे सारे ही, तो फिर नहीं कर पाए थे वो लोग, नहीं समेट पाए थे अपने सामान को। तो चलो फिर मैंने कहा आज मैं कर लेती हूँ इसका सफाई, करती हूँ इस रूम की। तो बस अभी कर लूँगी मैं इसकी अच्छे से सफाई सारे रूम की। तो पहले तो ये है कि सामान बहुत इधर उधर बिखरा पड़ा है बच्चों का, तो वही करूँगी मैं सेट पहले। तो घंटे के साथ तो बस फिर ये आ गया था बेटा मेरा भी ऊपर ही हेल्प करवाने के लिए, पर उसको फिर मैंने बाद में भेज दिया था नीचे, क्योंकि इनका मैं खुद ही कर लूँगी यहाँ पर सफाई। तो बस फिर पहले सारी सब चीज़ें जो मैं कर लूँगी, समेट लूँगी सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के देखते हैं कितना हो पाता है आज, कितना साफ़ होता है ये रूम। तो ये सारा सामान इनका मैं एक जगह रख दूँगी, सारा जो भी सामान बच्चों की रजाइयाँ कंबल वगैरह सब बाहर ही पड़े थे, क्योंकि उस टाइम बच्चे ऐसे गए थे कि आ जाएंगे 8-10-15 दिन के बाद तो आ ही जाना है, तो फिर ऐसे फंस गए वो बेचारे घरों में, तो अभी आ नहीं आ पाए। तो बस अभी
कर लूँगी मैं सारा, ये समेट दूँगी एक जगह, सारा रख दूँगी, कपड़े वगैरह सब पड़े हैं बेड के ऊपर, अलमारियाँ खुली पड़ी हैं, तो बस इनमें सब मैं सामान सारा सेट करके फिर मैं अच्छे से लॉक लगा के रख दूँगी अलमारियों को भी। तो बस ये मैं सारा सामान समेट लूँगी अभी। और ये देखिए, ये बच्चे गए थे जयपुर, तो शायद वहीं से लाए थे ये, तो घर ले जाना भूल गई ये लड़की, तो फिर हाँ लड़कियाँ रहती हैं यहाँ पर, तो जो लड़की है ना घर ले जाना शायद भूल गई, तो ऐसे पड़ा था यहाँ पर बैग खुलाई, उसमें निकले ये, तो देखिए कितने मतलब सुंदर लग रहे हैं देखने में, साथ में एक मिरर है, और वैसे ही पड़ा सारा सामान देखिए बच्चों का, और अच्छे लग रहे हैं ये देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं ये, लटकन जैसे हैं ये, ये देखिए। तो फिर अभी फिर मैं इनको बैग में डाल के फिर पैक करके अंदर अलमीरा में रख दूंगी संभाल के। बस ये देखिए फिर सारा जो भी मैंने निकाला था यहाँ से, रद्दी वगैरह जो भी इनका सामान फालतू का था, ये सारा इकट्ठा कर लिया, अभी मैं इसको नीचे फेंक के जला दूँगी। और ये देखिए सारा सामान मैंने एक साइड ही सेट कर दिया, और ये देखिए अभी होगी रूम की सफाई अच्छे से साफ, झाड़ू लगा दिया है, फिर पोछा लगाऊँगी अभी एक दो दिन में, अभी तो झाड़ू लगाऊँगी मैं सारे रूमों में, पोछा बाद में लगाऊँगी। तो ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गया है, ये रूम बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने। तो अभी बज गए हैं शाम के 6, और अभी मैं बस ये रूम हो गया साफ़ मेरा, और अभी मैं चली जाऊंगी नीचे क्योंकि डिनर भी बनाना है मेरे को। तो ये देखिए साफ़ हो गया रूम, और यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ किचन में अभी, और किचन में मैं बना रही हूँ आज जीरा आलू। तो जीरा आलू बनाने के लिए मैंने तेल डाल दिया था, और तेल में डाल दिया था मैंने जीरा, तो ये जीरा थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि जीरा आलू है, तो थोड़ा सा जीरा तो दिखना चाहिए। और जीरा जब पक जाएगा, पक गया था मेरा, ब्राउन हो गया था हल्का सा, तो मैंने डाल दी थी इसमें हल्दी, और हल्दी पकाने के बाद 1-2 सेकेंड के लिए हल्दी पकाने के बाद मैंने डाल दी ये आलू। बस इसी तरीके से बना जाता है जीरा आलू। और अभी इसमें डाल दूँगी मैं मसाले, नमक हल्दी तो पहले डाल दिए, नमक और मिर्ची और गर्म मसाला डाल दूँगी मैं इसमें, मिर्ची मैंने डाल दी, और इसके साथ ये डाल दूंगी मैं नमक और गरम मसाला। जीरा आलू बनाने के लिए हम पहले आलूओं को उबाल लेंगे और छील के फिर काट के फिर जीरा आलू बनाया जाता है। ये है गरम मसाला, और इसके साथ ही डालूंगी मैं कसूरी मेथी थोड़ी सी। तो ये है कसूरी मेथी, तो ये भी मैं डाल दूंगी क्रश करके इसमें, देखिए। और फिर डालना मेरे को ये चाट पाउडर मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला होता है ना, वो डाल दूँगी, इससे अच्छा टेस्ट आता है जीरा आलुओं में। तो बस ये ढक्कन लगा दूँगी थोड़ी देर के लिए, ढक्कन लगा के पकाऊँगी इनको, जीरा आलू जो मेरे हो गए तैयार। तो बस देखिए मैंने लगा दिया अभी ढक्कन इसमें, और 2-3 मिनट तक पकाऊँगी, थोड़े से कुरकुरे करने हैं क्योंकि कुरकुरे आलू अच्छे लगते हैं। बस पका दूँगी 2-3 मिनट के लिए, और बस ये देखिए तैयार हो गए मेरे जीरा आलू, और अब हो जाएगा हमारा डिनर भी साथ में ही, और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं जीरा आलू। जब पहले इनको आलूओं को बॉईल करना पड़ता है। तो अभी टाइम हो गया है रात के 9:30 का, और डिनर जो है वो हमारा हो गया है, और अभी बस सोने की तैयारी हो रही है। तो अभी कर लूँगी मैं ब्लॉग का एंड। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।